नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल। इस कार्यक्रम में आपके यहाँ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम एक मासिक कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम में सूर्य का जो राशि परिवर्तन हर माह के मध्य में जो 15, 16, 17 तारीख के आसपास होता है, जिसे आम लोग बोलचाल की भाषा में संक्रांति भी कहते हैं, उसके ऊपर जरूर बात करते हैं। हमारा ये मासिक कार्यक्रम होता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को जो प्रवेश होगा दोपहर 1:03 पर, तथा जो 16 दिसंबर तक चलता रहेगा रात्रि में 3:44 तक, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सभी लग्नों के ऊपर बात करने जा रहे हैं, मेष से लेके मीन तक। इस माह में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों में परिवर्तन और भी हैं, जैसे बुध ग्रह हैं 21 नवंबर तक वो तुला में, फिर वृश्चिक में आ जाएंगे, फिर 10 दिसंबर को वृश्चिक से लेकर धनु में चले जाएंगे 16 दिसंबर तक। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर तक धनु में रहेंगे, उसके उपरांत मकर में चले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण गुरु ग्रह हैं जो कि भाग्येश हैं कर्क लग्न के, जिसके बारे में बात भी करने जा रहा हूँ। 20 नवंबर को रात्रि 11:20 पर अपनी नीच राशि मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह तुला में 16 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, उसके उपरांत अपनी राशि वृश्चिक में चले जाएंगे। अब मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर हम बात कर रहे हैं, कर्क लग्न पर इस ग्रह स्थिति का क्या फर्क होगा ये तो बताने जा रहा हूँ। परंतु एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण होगा और कर्क लग्न जो है उसके स्वामी चंद्र हमेशा ग्रहण में फंसते हैं, और 4 दिसंबर को है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्क लग्न में धन से जुड़े ग्रह सूर्य हैं, शांति से, परिवार से जुड़े, तो कर्क लग्न के ऊपर और सिंह लग्न के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव ग्रहणों का हो सकता है। तो कर्क लग्न के ऊपर क्या होगा सभी ग्रहों का असर, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। परंतु आपका कर्क लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी ज्योतिष से जुड़ी सूचना इस कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। बीच के खाने में यदि 4 कर्क अथवा कैंसर लिखा तो आपकी बात हो रही है। यदि आपको बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है तो ये नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आप ये बात कर सकते हैं। क्या है ये नाम के अक्षर? ही हु हे हो डा डी डू डे डो, ये नाम के अक्षर है तो आपके बारे में बात हो रही है। चंद्र ग्रहण जो कि 19 नवंबर को होगा और कर्क लग्न के स्वामी जो ग्रह हैं चंद्र, वो इस ग्रहण में फंसेंगे। दोपहर 12:48 से सायंकाल 4:17 तक वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में पड़ेगा। अच्छी बात ये, एकादश भाव में पड़ने से प्रभाव शुभ हो जाएंगे। दूसरा ग्रहण सूर्य है जो कि 4 दिसंबर को प्रातः 10:59 से लेकर 3:10 तक रहेगा दोपहर में, और वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में यह ग्रहण होगा। ये ग्रहण दोनों ही भारत में दृश्य नहीं है, परंतु इनका असर कुंडलियों में अवश्य देखने को मिल सकता है। चंद्र भावनाओं से जुड़ा हुआ ग्रह है, अतः मानसिक स्थिति, तनाव, फेफड़ों और हृदय रोग, और पंचम भाव में जो है ये पड़ रहा है आपका चंद्र ग्रहण, तो गर्भस्थ शिशु यानी वृश्चिक राशि जो पंचम भाव में वहाँ पर गर्भस्थ शिशु और अन्य बालकों के ऊपर इसका विशेष रूप से प्रभाव होगा। कर्क लग्न से जुड़े बालक हैं जिनका अष्टम भाव में यदि चंद्र है कुंभ राशि में, बाला ऋषि योग जिसे कहते हैं, तो उनके ऊपर विशेष प्रभाव होगा। महिला वर्ग विशेष रूप से चंद्र ग्रहण से प्रभावित होती हैं। कर्क लग्न में होने वाले चंद्र ग्रहण का असर आपके बुद्धि, रक्षा, पाचन शक्ति, ब्लड प्रेशर, धन स्थिति, माता पिता, संतान से जुड़े विषयों और धन, शेयर मार्केट, सट्टे, खर्चे, हानि, क्योंकि बुध भी इन्वॉल्व है, द्वादेश हानि, खर्चे हानि, अग्नि और जलीय दुर्घटनाओं से जुड़ी समस्याओं से हो सकता है। कर्क लग्न में मुख्य जो दूसरे ग्रह सूर्य हैं और 4 दिसंबर को होने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव सूर्य के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एकादश भाव में होने जो है ये सूर्य ग्रहण का असर जो है ये पंचम भाव में पड़ेगा, तो हर प्रकार के जैसे लाभ हो सकते हैं कम हो जाएंगे। आपकी नौकरी हो, राजनीति हो, शेयर मार्केट हो,
कानूनी प्रक्रिया से रुके धन की प्राप्ति, किराए और संपत्ति से जुड़े जो मामले हैं वो सारे विपरीत रूप से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में यह ग्रहण पड़ेगा। कर्क लग्न के ऊपर इस वर्ष वृश्चिक राशि के सूर्य ग्रहण का प्रभाव काफ़ी दीर्घ हो सकता है, और 16 नवंबर से 16 दिसंबर के मध्य, क्योंकि ये ग्रहण पड़ रहे हैं, तो पूरे 30 दिन आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। परंतु एक ग्रहण जो है चंद्र ग्रहण, वो शुभ होने से प्रभाव शुभ होंगे, सूर्य ग्रहण में सावधानी रखनी होगी विशेष करके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सभी ग्रहों का जो है अन्य ग्रह सबका मिला जुला प्रभाव क्या हो सकता है, सूर्य पंचम भाव में चल रहे होंगे तो तनाव गुस्सा बड़ा हो सकता है। साधारण रूप से किसी भी आयु के आप हों, सावधानी से चलने का ही समय होगा। यदि युवावस्था में है तो क्रोध और ऊर्जा अधिक होगी, इसलिए थोड़ी बहुत चोट का, स्नायु तंत्र पर तेज प्रभाव का, डाइजेशन का, यदि ज़्यादा यंग एज में खाना पीना ज़्यादा है, नॉन वेज इत्यादि ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो ये डाइजेशन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। विशेष करके 5 दिसंबर के उपरांत युवावस्था के लोग मांसाहार मद्यपान जो इनमें रुचि रखते हैं अथवा जिनका जीवनचर्या में अनुशासन नहीं है, उन्हें 5 दिसंबर के उपरांत अधिक सावधानी से चलने का होगा, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। 5 दिसंबर के उपरांत जो लोग 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, मनोस्थितियों से दो चार होना पड़ेगा विशेष रूप से। और 60 वर्ष से ऊपर की यदि आपको आयु है तो आपको मच्छरों से जुड़े रोग हैं, कॉलरा है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, एसिडिटी है, और जो हार्ट के पेशेंट्स पुराने हैं उनको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। 8 दिसंबर के उपरांत शुक्र ग्रह के राशि बदलने के उपरांत प्रोस्टेट पेशाब संबंधी बीमारियों के प्रति सावधानी रखनी होगी। गर्भवती महिलाओं को 5 से 16 दिसंबर के मध्य खुश रहना होगा, तनाव रहित रहना होगा, और तनाव रक्तचाप के कारण हो सकता है या तनाव से रक्तचाप हो जाता है, वाइस वर्षा होता है, तो इसके प्रति सावधानी रखनी होगी। आपको खुश रहना होगा, पूरे माह मांस शराब तंबाकू या नशीले पदार्थों से सभी को बचना होगा। विशेष करके जो महिलाएं थोड़ा सा नशा इत्यादि करती हैं, गर्भवती हैं, उनको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। तो नौकरी और व्यापार की तुलना करें तो व्यापार थोड़ा शुभ होता लग रहा है, नौकरी में समय थोड़ा सा खराब या घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सूर्य मंगल पंचम भाव में दोनों नौकरी से जुड़े हैं, ग्रहण में भी फंस रहे हैं दोनों, तो ये घातक हो जाता है। नौकरी में अनचाहा स्थानांतरण या उन्नति में बाधा, अनुशासन या अन्य कारणों से नौकरी को भय हो सकता है। विशेष करके यदि आप सरकारी नौकरी में हो, आप फौज, पुलिस, चिकित्सा, इंजीनियरिंग इत्यादि इनसे जुड़े हों, प्राइवेट जॉब में हो, आप कागज, कपड़ा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आयात निर्यात या फैशन डिजाइनिंग या प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हों, तो तनाव हो सकता है। व्यापार में नौकरी के विपरीत व्यापार में समय थोड़ा सा ठीक रहेगा, विशेष करके जो शनि के क्षेत्र हैं, लोहा, सीमेंट, प्रॉपर्टीज़, होलसेल का व्यापार है, अनाज का, पीली वस्तुओं का व्यापार है, जैसे फलों का, सोने का, पीतल का, चांदी का, तांबे का व्यापार हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार हो, शेयर मार्केट का व्यापार हो, वकालत यानी आप वकील हो, जजों और संपत्ति का व्यापार, प्रॉपर्टी डीलर, इन सभी क्षेत्रों में धन थोड़ा आता रहेगा। नए मौके मिलेंगे, व्यापार थोड़ा शुभ रहेगा, अतः आपको, परंतु ग्रहणों के कारण आपको एक सावधानी रखनी होगी, शेयर मार्केट सट्टे या जल्दबाजी में धन उधार देना ये बाद में कानूनी पचड़े ला सकता है, विशेष करके 5 दिसंबर तक आपको इनसे बचना होगा, क्योंकि ग्रहणों के कारण और मंगल सूर्य की स्थिति के कारण पुलिस, इनकम टैक्स कानून, सेल टैक्स जैसे विभागों से आपको परेशानी हो सकती है, बैंकों से आपको परेशानी हो सकती है यदि आप व्यापार में हैं। जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा, धर्म और भाग्य। भाग्य का प्रतिशत कर्म के तुलना में काफ़ी निम्न नज़र आ रहा है। कर्म पर ही ज़्यादा भरोसा करना ठीक होगा, क्योंकि भाग्य बृहस्पति तो अष्टम भाव में है,
परंतु सूर्य मंगल और ग्रहण के कारण कर्म में भी थोड़ी सी बाधाएं होंगी। भाग्य विशेषकर देश के तुलना में विदेश में थोड़ा शुभ रहेगा। इंट्यूटिव पावर्स का जागृत होना, ये सब ठीक रहेगा। इसमें आपका मन लगेगा, आप दान पूर्ण करने को भी आपका मन लगेगा। किसी भी कीमत पर, परंतु किसी भी कीमत पर भक्ति दुर्गा, हनुमान, सूर्य और अपने इष्ट देव शंकर का एवं विष्णु का पूजन करते रहें, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप किसी भी रूप में देवताओं के प्रति मन में विपरीत भावना या उनके प्रति हल्का सोचना या उनके धर्म स्थान का अपमान या उन्हें इग्नोर करना, इन सब मनोस्थितियों से आपको बचना होगा। शिक्षा की बात करें तो प्राइमरी शिक्षा में 5 दिसंबर के बाद समय थोड़ा ठीक रहेगा, परंतु कॉमर्स, हिस्ट्री इत्यादि में समय थोड़ा सा परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। अन्य जो जीवन के क्षेत्र हैं पढ़ाई के, कोई भी क्षेत्र हो, गुरु के अष्टम भाव में होने से और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर, नवम भाव पर पड़ने से बाधाएं रह सकती है। आपका कोई भी पढ़ाई का अन्य क्षेत्र हो, पढ़ाई के क्षेत्र में बाधा का एक कारण ये भी होगा, आपका मन कम रह गया। जीवन का अन्य क्षेत्र धन अथवा आर्थिक क्षेत्र है, धन आर्थिक। नौकरी और व्यापार की तुलना करें तो व्यापार में धन कमाने के अधिक मौके होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और व्यय भाव पर पड़ रही है। आयात निर्यात, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स रिटर्न से रिफंड, पैतृक स्रोतों से धन प्राप्ति, पैतृक सोना तथा 8 दिसंबर उपरांत जीवन साथी, माता अथवा किराए के क्षेत्रों में धन प्राप्त होगा। कानूनी क्षेत्रों में पीली वस्तुओं के व्यापार, शेयर मार्केट एवं सट्टे से साधारण लाभ 5 दिसंबर के तक आपको मिलता रहेगा। 5 दिसंबर के उपरांत लोहा, सीमेंट, संपत्ति, ठेकेदारी, चिकित्सा क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेंगे। 8 दिसंबर के उपरांत शुभ धन प्राप्ति आपको और बढ़ जाएगी। यदि आपका सीमेंट का हो, लोहे का हो, संपत्ति का हो, ठेकेदारी का हो, पूरा फैशन का क्षेत्र हो, मीठी वस्तुओं का क्षेत्र हो, तो धन प्राप्ति आपकी बढ़ जाएगी। नौकरी में धन प्राप्ति के योग कम है, इसके विपरीत धन हानि के संकेत थोड़े ज़्यादा हैं। नौकरी में दुर्घटना से, अग्नि से, चोरी से या अनैतिक कारणों से धन कमाने से हानि हो सकती है। सरकार के द्वारा पेनल्टी अथवा अनुशासनात्मक कारणों से धन हानि हो सकती है। कर्ज में दिया धन या आयात निर्यात से हानि के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप आयात निर्यात के क्षेत्र में जॉब कर रहे हो तो, व्यापार नहीं, जॉब में उपाय क्या किए जा सकते हैं? पूरे 30 दिन सूर्य को 7 बजे से पहले अर्घ्य देना और सूर्य नमस्कार योग करना, आदित्य स्तोत्रम तथा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ रोज करना। आदित्य स्तोत्रम 3 बार करें, विष्णु सहस्त्र नाम 1 बार करें, हनुमान चालीसा 3 बार करना, शिव चालीसा का पाठ करना, सायंकाल सूर्यास्त के आसपास पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल के दीपक अर्पित करना शुभ रहेगा। शनि मंगल सूर्य जैसे काले उड़द, नमक, केसर, तांबा, गुड़, गेहूं, देसी घी, इनका दान करना इस माह में शुभ रहेगा। हृदय रोगियों का माणिक बोत और पीला बुखार धारण करना, गर्भवती महिलाओं को मंगल के उपाय करना, गुड़ का दान देना शुभ रहेगा। संतान नौकरी हेतु मुंह पर हेतु आप मूंगा, पीला पुखराज और मोती धारण कर सकते हैं, ये शुभ रहेगा। पूरे माह मांसाहार मद्यपान से बचना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।